जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाने का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि हमें तय करना होगा कि अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। आज इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। हाईकोर्ट जजेस की सिफारिशात या तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट है। अंदरूनी मामलात हमें खुद देखने हैं, बैरूनी मामलात में रियासत जजेस को तहफ़ फराहम करे। कोई रिस्पांस नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जब कोई जज सच बोलता है उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं, इसके खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। And no one could influence my court. For 4 years as Chief Justice, nobody could dare influence a single judge. Not just me. And the judgments of Islamabad High Court speak for themselves. I will emphasize: the problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges, the response most interesting. उन्होंने मार्टिन लूथर किंग और अकबर अल आबादी के शेर से पहले सब कुछ कह दिया है। सिंध करने इसकी लाहौर हो गया वो पढ़ने बगैर कुछ कहने के इज द फियर इज ऑफ द स्टेट। द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देयर हैज बीन अ पार्टनरशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट फॉर द पास्ट 76 ईयर्स। दैट कल्चर कंटिन्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।